यार तेरी लाइफ सेट है, तू तो यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा है, तेरा तो अपना बिजनेस है, तेरी लाइफ सेट है, तुझे तो पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है, तेरी लाइफ सेट है। दीज आर द वर्ड्स आई हैव बीन लिसनिंग फ्रॉम लास्ट टू ईयर्स। और ये चीज़ मुझे बहुत अनॉय करती है कि यार मतलब आप अगले बंदे की मेहनत देखे बगैर, उसने किस एज से मेहनत शुरू की है, आप अगले को ये कमेंट पास कर देते हो। मेरा नाम मोहम्मद वासिफ, मैं आईसरी इन कॉम्फर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, आई एम ऑफिशियल वीडियोग्राफर ऑफ कॉम्सर्ट्स, आई ओन वन बिजनेस नेम्ड शीरिन, एंड इस थप के बारे में फिर कभी बात करेंगे, इस बार वीडियो में बात करेंगे। व्हाट आई नोटिस इज पीपल डोंट सी द स्ट्रगल जिससे आप गुजरे हो। कोई भी इंसान कामयाब होगा उसको यही बोल देंगे कि यार बैठे आपस में गॉसिप करूँ कि उसको पास उस तरह पैसा आ गया, पता नहीं उसने ऐसा क्या काम किया, पता नहीं उसने ऐसा कौन सा चिल्ला काटा है, पता नहीं कौन सा 24 घंटे कराया, कौन से मौलवी के पास गया, उसके पास इतना पैसा आ गया। देव नॉट स्ट्रगल दैट that person has gone through, बस कमेंट पास करना है एंड that's it, because this is the cheapest thing that they can do. Being a student of a university के साथ अपनी studies को मैनेज करना, अपनी job को मैनेज करना, अपने business को मैनेज करना is none more than like a burden on you. सुबह आप 8 बजे उठते हो और रात 10 बजे हो जाते हो, ऐसे दिन भर तक आपको पता भी रहता है कि आपके दिन में आपने किया। अब फिर जब आपको कहीं लोग बोले कि यार तेरी लाइफ सेट है, इट फील्स लाइक कि यार पता नहीं ऐसा मैंने क्या किया है, मेरे साथ तो पता नहीं क्या हो गया कि मैं अचानक रातों रात पता नहीं क्या बन गया हूँ कि लोग आके मुझे बोल रहे हैं यार तेरी लाइफ सेट है। व्हाट आई वांट टू से टू यू इज यू आर अ जेम एंड आई अश्योर दैट यू कैन डू whatever you want in your life. And I want to say, I know आप लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे, काफ़ी सारे जो देख रहे हो स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे, स्टार्ट डूइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स फ्रॉम नाउ। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं, डू समथिंग फ्रॉम नाउ। एक टाइम आना चाहिए कि जब आप यूनिवर्सिटी में जाओ और आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हो तो आप जॉब मत ढूंढो, आप जॉब क्रिएट करो कि लोग आपके पीछे आएँ कि यार हमें अब से जॉब चाहिए। कोई चीज़ कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग इस ज़िंदगी में अपनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपनी नींद ख़राब कर रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं और कुछ बनने की कोशिश में, और कोई आप आके बोले ना क्या करें तेरी यार तेरी लाइफ सेट है, इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू मेक हिम द वन कि जब वो आपको बोल रहा है यार तेरी लाइफ सेट है, एक दिन आया कि कोई उसको बोले कि यार तेरी लाइफ सेट है एंड आस्क हिम कि वो भी आगे सेम करे। जस्ट शेयर द नॉलेज, क्योंकि अल्लाह जो है ना वो सारे दुनिया के फरिश्ते, ज़मीन के फरिश्ते, जन्नत के फरिश्ते, मछली और इवन एक छोटा सा कीड़ा जो होता है ना, वो भी एक इस इंसान के ऊपर ब्लेसिंग भेजते हैं जब वो किसी के साथ अपनी नॉलेज शेयर करता है, सिर्फ अच्छी नीयत के साथ कि यार मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं आगे शेयर करूँ। व्हेनेवर यू शेयर नॉलेज उससे आपके इल्म में कमी नहीं होती, आपके इल्म में और इजाफा होता है, आप अगले बंदे के दिल में अपनी जगह बनाते हो। अगर आप उनमें से हैं कि यार दूसरों को बोलते हो यार तेरी लाइफ सेट है, खुद कुछ नहीं करते, मेरा आपसे सिर्फ ये पैगाम है, व्हेनेवर यू सी समवन लाइक दिस जस्ट से माशाल्लाह, डोंट से यार तेरी लाइफ सेट है। व्हेनेवर यू विल से माशाल्लाह फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट, आई प्रोमिस यू अल्लाह विल गिव यू मोर देन दैट गाय जिसके लिए आपने वो माशाल्लाह बोला होगा। बिकॉज जब भी आप किसी के लिए खुश होते हो तो अल्लाह आपके लिए आपको उससे डबल देता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार तेरी लाइफ सेट है, प्रेज हिम, अप्रिशिएट हिम एंड डू समथिंग जिससे आप वो इंसान बनो कि आपको अगला बंदा आके बोले कि यार तेरी लाइफ सेट है। उम्मीद है आपको सीखने को मिला होगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज व्हाट इट इज़। अल्लाह हाफिज़।